हेलो फ्रेंड्स, राज रानी के किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बचे हुए आटे से स्वादिष्ट नाश्ता। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मिक्सी जार लिए हैं, बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी मूंग दाल, जो नमकीन वाली आती है। दो पैकेट मूंग दाल डालूंगी और दो पैकेट मैं इसमें डालूंगी आलू भुजिया, जो 5 रुपये का पैकेट आता है, डाल देंगे। और इसके बाद इसका मिक्सी चलाकर फाइन पाउडर बना लेना है। इसे दरदरा मत पीसिएगा, इसे बिल्कुल ही पाउडर बनाइएगा। मैंने यहाँ पे बिल्कुल पाउडर बना लिया है, ये देखिए मैं आपको हाथों से दिखाती हूँ। बिल्कुल ही फाइन पाउडर आपको यहाँ पे बना लेना है। उसके बाद इसे हम साइड पे रख लेंगे। जो बचे हुए आटे हैं उसको अच्छे से पहले मसल लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे लोइए बनाऊंगी, जिस तरीके से रोटी बनाते हैं उस तरीके का आप लोइए यहाँ पे बना लीजिए। और फिर इसका कटोरी बना लेना है। ये बहुत ही झटपट बनने वाला नाश्ता है। आटा बचा रहे तो आप उसका इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी टेस्टी नाश्ता बनता है। यहाँ पर मैं डाल दूँगी थोड़े थोड़े फिलिंग, ज़्यादा इसमें नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और इसे सील कर देंगे इस तरीके से, इसे चारों तरीके से सील कर देना है। और ये इसे बेलना बिल्कुल भी नहीं है, बस इसे हाथों से ही हल्का सा दबा देंगे। ये देखिए इस तरीके से इसे दबा देना है। आप चाहे तो थोड़ा और भी चपटा कर सकते हैं, मैंने इसे ऐसे ही रखा है। और एक एक करके इसी तरीके से बना लेना है। और तेल को बहुत ही मीडियम लो पे रखना है और ज़्यादा तेल गर्म भी नहीं करना है, हल्के ही तेल गरम रहे तभी आपको इसमें डाल देना है। इसको फ्राई करने में कम आपको 10 से 12 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि इसे धीमी आंच पे आपको फ्राई करना है। और इस तरीके से आपको पलट पलट के इसे लाल करते हुए जाना है। हाई फ्लेम पे करने से क्या होगा कि अंदर में कच्चा रह जाएगा और ऊपर से ये लाल हो जाएगा, इसीलिए आपको इस धीमी आँच पर इसे सेक लेना है। ये देखिए यहाँ पर ये बन के रेडी हो गया है। ये कलर इसका काफ़ी अच्छा आया है। एक मैं आपको यहाँ पर तोड़ कर दिखाती हूँ। ये काफ़ी टेस्टी बना था, ऊपर से हल्का खस्ता और अंदर से सॉफ्ट था। इसे गर्मा गर्म मैंने सर्व किया था चाय के साथ। आप इसे अपने मनपसंद चीज़ों के साथ सर्व कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।